साथियों, बचपन से आपने किताबों में पढ़ा होगा, आपके बड़ों ने आपको बताया होगा कि धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। अब आप इस चित्र को देखिए। आप यदि बिना किसी रणनीति के कोई भी काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप उसमें सफल हो जाएं। आप मेहनत करते रहें लेकिन आप सफलता से दूर होंगे। कोलू का बैल अगर वो सोचे कि मैं कुछ घंटों बाद दूर निकल जाऊंगा तो ये उसकी भूल है, क्योंकि वो एक गोल गोल चक्कर में घूम रहा है। और हम भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम गोल गोल वहीं पर घूमते रहते हैं। हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हमारे पास कोई उद्देश्य तो होता है, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचना कैसे, उस मार्ग का पता नहीं होता है और हम घूमते रहते हैं। कोलंबस भारत जाना चाहता था और पहुंच गया अमेरिका। तो यदि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो पूरे होशो आवास में, पूरी रणनीति के साथ। अब ये मछली को पकड़ रहा है जबकि उसके दूसरी ओर बहुत सारी मछलियां हैं। अब वो यहां कितनी देर इंतजार करता रहे, उसको मछलियां नहीं मिलेंगी क्योंकि मछलियां तो दूसरी ओर। हमारे पास भी जीवन में कई सारे रास्ते होते हैं। हो सकता है कि जिस रास्ते पर हम चले अंत तक पहुंचने पर वहां हमें कुछ मिले ही नहीं। इसलिए अपने बड़ों से, जो तजुर्बेदार हैं, उनसे मिलकर, उनसे चर्चा कर, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है, जरूरी नहीं कि करके ही सीखा जाए, हम दूसरों के अनुभव से भी सीख सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए सफल व्यक्तियों का साथ करें, सफल व्यक्तियों की पुस्तकें पढ़ें, उनके अनुभव को पढ़ें और एक नियम बना लें कि प्रतिदिन किसी न किसी महापुरुष की जीवनी, कोई न कोई अंश हमें पढ़ना है, तो निश्चित ही हम उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगे। आप जिस विधा में, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को पढ़ें।